तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में, और हमेशा की तरह एक नई यात्रा। तो बोर्डिंग पास मैंने कलेक्ट कर लिया है, चलिए आज वियतनाम चलते हैं। जी हाँ, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री। तो यहाँ पे हम रुपयों और सैकड़ों में नहीं, हजारों लाखों और करोड़ों में खर्च करेंगे। वो कैसे, आइए आपको दिखाता हूँ। और यहाँ के वीज़ा के लिए मैं आपको बता दूँ कि वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे नहीं है, वीज़ा आपको कुछ दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है और यूजुअली 4 दिन में यहाँ का वीज़ा आ जाता है। तो मेरा वीज़ा मैंने 5-6 दिन पहले अप्लाई किया था और वीज़ा मेरा आ चुका है। वीज़ा की कॉस्ट करीब $25 है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं, और वीज़ा बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो वीज़ा के लिए आप कोई ब्रोकर ना ढूंढें, वीज़ा आप लोग खुद अप्लाई करें। तो ये सामने बोर्ड पे दिख रही है 13:15 पे अपनी एयर इंडिया की हो ची मिन्ह की फ़्लाइट। और एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वीज़ा आने के बाद यहाँ इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ था, कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं हुई। इवन रिटर्न टिकट भी उन्होंने नहीं देखी मेरी, सिर्फ उन्होंने पूछा कि रिटर्न आपको कब आना है। और होटल बुकिंग मैं आज सुबह ही मैंने होटल बुकिंग की है booking.com से, और पेमेंट मैंने अभी नहीं की है। होटल बुकिंग भी इन्होंने नहीं पूछी थी, यूजुअली होटल बुकिंग वगैरह पूछते हैं, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं पूछा। और ना ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और कोविड का तो अभी कोई रूल रहा ही नहीं है, तो किसी भी प्रकार का आपका RT-PCR या कोविड टेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीज़ा बहुत ज़्यादा सिंपल है, और चलिए कंट्री भी देखते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि आज मैं थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट आ गया हूँ, और इसीलिए चलिए लाउंज एक्सेस करते हैं। लाउंज एक्सेस 2 रुपए में हो जाता है यूजुअली, और इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, इससे आपका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और अभी आपसे मुलाकात लाउंज में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लाउंज एक्सेस वीडियो में बताया था कि अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रिप है तो आपको यहाँ पे अल्कोहल भी फ्री मिलता है। ये वो अल्कोहल है जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और इधर अल्कोहल ये सब चार्जेबल है। सी द स्वीट्स आइटम, मुझे लगा आपको दिखाने चाहिए, कितने ज़्यादा हैं। तो ब्रेकफास्ट करने का ऐसा मेरा कोई खास मूड तो है नहीं, तो थोड़ा सा लिया है मैंने, और आपको एक बार लाउंज दिखा देता हूँ। अभी वहाँ क्लीनिंग चल रही है। तो लाउंज एक्सेस डन हो गया, एनक्लेम का लाउंज था, और चलिए अब फ्लाइट की तरफ चलते हैं। और करेंसी मैं वियतनामी डोंग की जगह $ कैरी कर रहा हूँ, वहाँ पे चेंज करवा लेंगे। अरे सोचा एक अपडेट मैं आप लोगों को दे दूँ कि मैंने उससे बोर्डिंग पास लेते टाइम रिक्वेस्ट की थी कि हो सके तो आप मुझे विंडो के साथ एक्सल सीट प्रोवाइड करें, तो उन्होंने मुझे एक्सल सीट फ्री में दे दी है। आई थिंक एक्सल सीट की कॉस्ट 5,000 अप्रॉक्सीमेट एंड GST होती है, तो वो सीट मुझे फ्री मिल गई है। तो चलिए इंजॉय करते हैं। करीब 15 मिनट चलने के बाद बोर्डिंग गेट पे हम लोग पहुंच गए हैं, और अभी बोर्डिंग करते हैं। तो ये ठीक सामने अपनी फ्लाइट। नमस्कार। ये बिजनेस क्लास, और ये अपना इकोनॉमी क्लास, और इसमें अपनी एक्सल सीट 14A एंड आई थिंक इट्स नॉट एक्सेल सीट, लेग स्पेस भी ओके। एक फॉल्ट हो गया है, सीट्स एक्सेल ही हैं, अपन को 11A में बैठना था। गेट है 14A, 11A सीट है, और ये एक्सेल सीट्स ही हैं, एमरजेंसी विंडो। लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, और ये सीट डिज़र्व भी करती है आई थिंक 5,000 रुपीज़। कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा है। इधर मॉल्डीव्स में ऐसी एक्सल सीट्स मुझे मिली थी, और यहाँ पे भी। चलिए अब फाइनली यात्रा शुरू करते हैं। बाय बाय इंडिया। फ्लाइट करीब हाफ एन आवर लेट उड़ी थी, 1:15 का टाइम था, और लगभग 1:45 पे उड़ी थी। अभी टाइम हो चुका है करीब 3:27, और मील वो लोग दे गए हैं। मैंने वेज मील सेलेक्ट की थी, और मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट ईयर थाईलैंड से आने के बाद पता नहीं क्यों मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, तो अब मैं हर जगह वेज ही खाता हूँ। देखते हैं वियतनाम में क्या होता है, वेज कितना मिल पाता है, और तो देखते हैं अभी इन्होंने मील में मुझे क्या प्रोवाइड किया है।
फ्लाइट में गोभी। चलिए एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि अभी मील स्टार्ट हुई तो फ्लाइट में करीब 180 पैसेंजर्स हैं और उन 180 पैसेंजर्स में से 4-5 पैसेंजर्स को फूड दिया गया, वेज फूड बोल के, तो मुझे भी उनमें दिया गया। तो मुझे केवल इतना सा फूड था, बाकी सबको ये चीज़ें एक्स्ट्रा थी, वेज और नॉन वेज दोनों को। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे ऐसा फूड क्यों दिया है। देन उन्होंने मुझे बताया कि आपने वीगन सेलेक्ट किया था, और कई लोग ये फॉल्ट कर देते हैं वेजिटेरियन और वीगन में, वो वीगन क्लिक कर देते हैं। तो फिर वो बिना मांगे मुझे दोबारा ये देके गए हैं, तो आप आगे ये ध्यान रखिएगा और मैं ये उनको रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि मेरा लंच कंप्लीट हो गया। तो ऐसा कुछ हो ची मिन्ह एयरपोर्ट, और ये अपना क्राफ्ट, तो ये वियतनाम में आप भीड़ देखें, आई थिंक ये डोमेस्टिक ट्रांसफर है। और इधर से मैं, चलिए सिम कार्ड का रेट देखते हैं। एक्सक्यूज मी, 4 GB डेटा स्पीड पर डे 3,50,000 में 5 डेज का, हाउ मेनी डेज, 15 डेज। तो वियतनाम में मेरी एंट्री हो चुकी है और वीज़ा इन्होंने 11 अगस्त तक का मुझे दिया है। तो बैगेज बेल्ट नंबर 4 से कलेक्ट करना था। यार इमिग्रेशन पे इतनी भीड़ थी, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मैंने इतना ट्रेवल किया है, आज जितनी भीड़ कभी नहीं देखी। ऐसे लग रहा था जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट वियतनाम लाया गया है। अरे तो हाँ, आप लोगों को तो मैं बताना ही भूल गया। सो ऑफिशियली वेलकम टू द कंट्री नंबर 5, वियतनाम। जी हाँ, वियतनाम में आपका स्वागत है। और इस ट्रिप में मेरे साथ वो भी फ्रेंड आया है जो लास्ट ईयर मेरे साथ थाईलैंड भी चला था। तो मिस्टर साहिल, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, लेकिन इस वक्त आते हुए अभी एक साल लग रहा है जैसे 20-25 फ्लाइट एक साथ आ गई हो। कुछ रंगीन दिख रहा है? नहीं, बहुत ही कुछ। चलिए फिर जाके और आगे देखते पता हैं बाहर। पाँच नहीं, छः दिन। तो स्वागत तो मैंने आप लोगों का कर दिया, अब मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। तो यहाँ पे आके आपको पैनिक नहीं होना है, और इमिग्रेशन कंप्लीट करके नीचे आइए और यहाँ आइए और सिम देखिए। सिम बहुत कॉस्टली है यहाँ, करीब 1,100 इंडियन करेंसी में और $12 USD में सिम मिल रही है, 3.5 lakhs वियतनामी डोंग की। तो सिम हम कल या आज रात को 7-11 से ले लेंगे। और अभी नीचे आया हूँ और एयरपोर्ट से वाईफाई कनेक्ट किया है और यहाँ बाइक टैक्सी बुक करवाता हूँ, चलते हैं होटल और उसको पैसे देने के लिए करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं। यहाँ रेट तो अच्छा नहीं मिलेगा, इसीलिए $20 एक्सचेंज करवाते हैं, बाकी और कहीं देख के एक्सचेंज करवा लेंगे। इस काउंटर पे मनी एक्सचेंज का ये रेट है। मैंने आपको उस काउंटर का रेट दिखाया। तो यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पूरे वियतनाम देश का सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट यही मिल रहा था। तो आपको जितना भी एक्सचेंज करवाना है आप यहाँ पे करवा लें। काउंटर का रेट दिखाता हूँ। मिनिमम हाउ मच डॉलर आई कैन चेंज? नो लिमिट। तो इनके यहाँ सही रेट मिल रहा है तो यहाँ से ले लेते हैं। $20 अभी मैं एक्सचेंज करवा लेता हूँ। प्लीज चेंज $20। Your passport, please. Wait, my passport. एक और अच्छी चीज़ इन्होंने बताई है कि कमीशन एक भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। यस सर, ये बिल रेडी हो गया और 25.06 के हिसाब से $20। यस, द रेस टोटल ओके 500,000। Yes. 1,000. 1,000 डोंग का भी नोट है क्या? थैंक यू। एंड 20? सिम का एक और ऑप्शन यहाँ मिल गया है, 7 days 2.5 lakh और दूसरी कंपनी 10 days के लिए 1.8 lakhs की, बट लूँगा मैं बाहर से ही। तो ये 1,80,000 यानी करीब भारतीय 540 रुपये की सिम वियतनाम की सबसे सस्ती सिम थी। तो आप इसे भी यहाँ पे ले सकते हैं।
चलिए एग्जिट करते हैं। और ये एग्जिट में देखिए पिकअप वालों की भीड़। आज से 6 दिन हम वियतनाम में होंगे। होटल जब दिन को आज बुक की थी मैंने, इन्होंने तो चेक नहीं की, तो वो होटल से टैक्सी जो थी 900 में बुक हो रही थी, यहाँ 550 दिखा रहा है। चलिए बाइक मंगवाते हैं और देखते हैं वो कितना चार्ज करते हैं। तो ग्रैब से बाइक मैंने बुक कर ली है और 37,000 वियतनामी डोंग लग रहे हैं, और मेरे फ्रेंड की बुक की उसकी फ़ोन से तो 42,000 लग रहे हैं। तो 32,000 मतलब करीब 100 रुपये और 42 करीब 120-130 रुपये, तो 220-230 रुपये में हम अपने होटल पहुँच जाएंगे। तो अभी कुछ ऐसा हुआ कि बाइक टैक्सी तो हम लोगों ने मंगवा ली, लेकिन बाइक टैक्सी एयरपोर्ट से निकलने के बाद इस तरफ थोड़ा आगे जाना था, कार वालों ने सही से बताया नहीं और बोलने लगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और नेटवर्क भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो यहीं रिटर्न आके हम लोगों ने कार टैक्सी मंगवा ली है, तो अब कार टैक्सी यहीं आएगी और करीब 1.40 लाख में, यानी करीब इंडियन करेंसी में 500 और यूएस डॉलर जो चेंज करवाए थे उस करेंसी में करीब 540 रुपीज लगेंगे। इट्स ओके, हम जाते हैं होटल क्योंकि लेट हो रहा है, और बाइक टैक्सी आपको लेनी हो तो उधर जाना पड़ेगा। फैमिली के साथ हैं तो आप सिम ले लीजिएगा, अदरवाइज मेरे जैसे फिर 7-Eleven में भी जाके आप सिम ले सकते हैं। तो वो ग्रैब टैक्सी भी कैंसिल हो गई और वही रेंट 1.37 लाख लग रहा था, तो 1.30 लाख में ये लेके चल रहा है। तो चलिए इस कार में अब होटल पहुंचते हैं। मैंने उस ड्राइवर की टैक्सी का वीडियो बनाया तो आई थिंक वो इतना डर गया और बोला हनी का कॉल आया है, मैं घर जा रहा हूँ, बाय बाय बाय, बैग उतार के भाग गया। अभी फिर दूसरी ग्रैब टैक्सी बुक की है किसी से वाईफाई लेके, क्योंकि उन्होंने ग्रैब की टी शर्ट पहनी थी। तो वेट करते हैं, टैक्सी यहीं आ रही है, शायद फाइनली हम होटल पहुँच जाएँ। तो एक टिप है आप लोगों के लिए कि एयरपोर्ट से बाहर आइएगा और ये ग्रैब की टी शर्ट पहने लोग खड़े होंगे, इनको फ़ोन दीजिएगा, अपने वाईफाई से कनेक्ट करके आपके लिए टैक्सी मंगवा देंगे, जो कि ज्यादा बेहतर होगा परेशान होने से। तो YouTube तो चलिए अब टैक्सी में बैठते हैं और होटल पहुंचते हैं। फाइनली टैक्सी आ गई है, बस कुछ और कांड ना हो। तो गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल रही है, 1.37 लाख है शायद, देखते हैं। और गाड़ी तो अच्छी सेडान है, मैंने आप लोगों को जो आइडिया दिया है आप उसी हिसाब से आइएगा। यू नो इंडिया, आमिर खान सर यहाँ पे भी फेमस है। आई मेक वीडियोज ऑन YouTube। दिस इज माई चैनल, यू सब्सक्राइब मी, थैंक यू सो मच, यू सब्सक्राइब माई चैनल। ये भाई साहब बता रहे हैं कि रोज रात को अपने परिवार के साथ 1 घंटा बालिका वधु एपिसोड देखते हैं। बॉलीवुड अपना भैया फेमस है, टीवी शोज भी फेमस हैं, हम भी फेमस हो जाएंगे एक दिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो। अरे मैं आप लोगों को बताना भूल गया, यहाँ इंडिया और थाईलैंड के जैसे राइट हैंड साइड ड्राइव नहीं है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है। कॉपीराइट आ जाएगा, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई ने हम लोगों के लिए पठान मूवी का सॉन्ग भी चला दिया है। तो शाहरुख खान जी आप भी यहाँ फेमस हो। अभी तक का तो एक्सपीरियंस वियतनाम का खराब ही जा रहा है, पहले टैक्सी का प्रॉब्लम हुआ और अभी booking.com से होटल बुक की थी, क्या तो फोटोज थे, रूम दिया है इसने 4th फ्लोर पे, एक बार आदमी नीचे ऊपर होगा उसके बाद तो हो गया, कैंसिल भी नहीं हो रहा। और बोलने लगा कैंसिल करो तो मैं 50% ऑफ कर दूंगा, और booking.com ही 30% ऑफ के पैसे ले रहा है, और फिर ये देख के ये भी बोलने लगा कि मैं 30% ऑफ करूंगा। और रूम भी एकदम घटिया बेकार सा है, ये आप रूम देखें, मुझे तो एक भी पसंद नहीं आया, बट अभी $51 में बुक किया है 3 नाइट्स के लिए और कैंसिल भी नहीं कर पा रहा हूँ। एयर कंडीशन है, फैन ये अवेलेबल करवा रहा है
और अभी मेरी सांस चढ़ गई। बिताते हैं 3 दिन अब। तो सुबह से आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे और अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। गुड। आई एम AKD एंड इफ यू लाइक माई ट्रैवल वीडियोस सो ज्वाइन मी टू विजिट एवरी सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड। थैंक।